अस्सलाम वालेकुम। आज मैं शेयर करूंगी क्रीमी और चीज़ी चिकन गोला कबाब बनाने की रेसिपी। बहुत टेस्टी कबाब बनते हैं, मुंह में जाकर जैसे घुल से जाते हैं। आप इनको एक बार बनाएंगे तभी आप जान पाएंगे कि ये कबाब कितने टेस्टी बनते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं क्रीमी और चीज़ी चिकन गोला कबाब। गोला कबाब बनाने के लिए मैंने इधर ले लिया 600 ग्राम चिकन, वॉश एंड क्लीन कर लिया है। इसका पानी देखिए ड्राई हो चुका है और छोटे छोटे पीसेस में मैंने ये मंगवाया था। तो अब इसमें कुछ चीजें ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट, 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट, थोड़ा सा भर भर के लीजिएगा। गोल्डन प्याज 1/3 कप के करीब, ये मैंने फ्राई कर लिया है और इसको क्रश भी कर लिया है। 4 टेबल स्पून बेसन, 7 से 8 हरी मिर्च, आप अपने हिसाब से लीजिएगा जितना आपको तीखा पसंद हो। अब इसमें कुछ ड्राई मसाले पाउडर जाएंगे। 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर है, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है, 1/2 टीस्पून है भुने जीरे का पाउडर, 1 टीस्पून है रेड चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून है धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून है चाट मसाला, 1 टीस्पून है नमक। ये सारे मसाले पाउडर इसी में हम ऐड कर देंगे। अब हम शामिल करेंगे इसमें 1 टेबल स्पून मक्खन। अगर आपके पास मक्खन नहीं है तो आप देसी घी भी इसमें डाल सकते हैं। फ्रेश क्रीम शामिल करने से कबाबों का टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा और क्रीमी कबाब बनेंगे। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम नहीं है तो आप दूध की जमी हुई मलाई भी ले सकते हैं, वो डाल दीजिएगा। कबाब बहुत जूसी बनते हैं और ड्राई नहीं होते हैं, सख्त नहीं होते हैं, बहुत सॉफ्ट बनते हैं। सारी इंग्रेडिएंट्स शामिल हो चुकी हैं, तो चलिए अब इसको हम, आपके पास मिक्सी जार है तो ले लीजिएगा, फूड प्रोसेसर है तो ले लीजिएगा, इसको फाइन पीस लेना है। आप देख सकते हैं फाइन कीमा हमारा यहाँ रेडी है और मैं बीच में एक जगह बनाऊंगी। इस पे हम रख देंगे एक फॉयल कटोरी, इसमें जलता हुआ हम रख देंगे चारकोल, इसमें चारकोल रख दीजिएगा। 1 टेबल स्पून तेल ले लिया है, थोड़ा सा हम तेल इसमें डालेंगे और इसको लिड से कवर कर देंगे। इसमें एक स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा तो बहुत टेस्टी कबाब बनेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आपको ये स्टेप करना है तो करिएगा, नहीं तो स्किप कर दीजिएगा। 5 से 7 मिनट इसको हम कवर करके रखेंगे, उसके बाद इसकी लिड हटा लेंगे। बहुत अच्छे से स्मोकी फ्लेवर आ गया है, कटोरी को हम रिमूव कर देते हैं और अब इसमें हम डालेंगे 1/2 कप के करीब चीज। ये टोटल ऑप्शनल है, तो अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे क्योंकि हम यहाँ क्रीमी चीजी गोला कबाब बना रहे हैं। अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है चीज और अब यहाँ पे हम ले लेंगे एक पोर्शन कबाब के जितना। यहाँ पे मैं गोला कबाब बना रही हूँ, आप सीख कबाब का भी शेप दे सकते हैं, आप कोई भी चीज ले लीजिएगा। अब इसको हम इंसर्ट कर देंगे, इस तरह से गोले कबाब बना के रख लेंगे। क्रीमी चीजी गोला कबाब हमारे यहाँ पे रेडी हो गए हैं, तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट की इनको फटाफट से फ्राई कर लेते हैं। इधर मैंने पैन ले लिया है, पैन में मैंने तेल डाल दिया है, तकरीबन 1 कप है ये, प्रॉपर मीडियम हॉट कर लिया है तेल। प्रॉपर मीडियम हॉट तेल करने के बाद आप इसको लो फ्लेम पे कर दीजिएगा। लो फ्लेम पे आप फ्राई करिएगा इनको 1 से 1.5 मिनट के लिए, इनको टच ना करिएगा। जब 1 से 1.5 मिनट हो जाए फिर इनकी साइड चेंज कर लीजिएगा। अब मैं इनकी साइड चेंज कर दूंगी, तो देखिए 1 से 1.5 मिनट हो गया है, इनका कलर भी अच्छा आ गया है। दूसरी साइड इनकी मैं कवर करके 3 से 4 मिनट पका लूंगी क्योंकि परफेक्टली ये डन हो जाए। तो साइड बदल बदल के इस तरह से आप कुक कर लीजिएगा, लिड लगा दीजिएगा। लिड लगाने के बाद इनको 4 से 5 मिनट के लिए कुक करिएगा, तो परफेक्ट कुक हो जाते हैं। बहुत अच्छे कबाब हमारे फ्राई हुए हैं, ये देखिए तैयार हो गए हैं फ्राई होके। कलर भी आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है इनका। तो इस तरह से हमारे गोला कबाब बनकर तैयार हैं। आप इसके ऊपर बटर अप्लाई कर सकते हैं, चाट मसाला छिड़क सकते हैं, जिससे इसका टेस्ट और भी ज्यादा इनहेंस हो जाता है। और मैं आपको दिखाती हूँ अंदर से भी परफेक्टली डन है। इंशाल्लाह आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी, जरूर ट्राई करिएगा और मुझको अपने फीडबैक्स दीजिएगा आपके क्रीमी और चीजी गोला कबाब कैसे बने। प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर जरूर करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, चैनल को 1 टाइम सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।